एक तरफ अमेरिका यह कह रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता, दूसरे तरफ उसने इसराइल को 100 करोड़ डॉलर के हथियार भेजने का वादा कर दिया। जब से यह बात ईरान को पता चली, उसके तेवर और आक्रामक हो गए। सवाल यह है कि अगर युद्ध हुआ तो क्या ईरान को इसराइल के साथ अमेरिका से भी लड़ना होगा, क्योंकि अमेरिका कई बार यह कह चुका है कि वो इसराइल की हिफाजत के लिए मुस्तैदी से खड़ा है। नेतन्याहू को बाइडेन का फुल सपोर्ट। ईरान के खिलाफ अमेरिका का नया हथियार। तेल अवीव आ रहा है 100 करोड़ डॉलर का हथियार। अमेरिका अमन चाहता है या वार? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ना तो दुनिया के नक्शे पर क्षेत्रफल के हिसाब से, ना आबादी के हिसाब से इसराइल ईरान के सामने टिकता है। यहां तक कि पुतिन और शी जिनपिंग के समर्थन के बाद ईरान इसराइल से ताकत में भी बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। फिर इसराइल के पास क्या है जिसके दम पर वो ईरान फतह करने की मंशा संजो रहा है? इसे समझने के लिए आपको अमेरिका की वो नई खेप देखनी होगी जिस पर बाइडेन ने मोहर लगा दी है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन एक नए हथियार सौदे की शुरुआत पर विचार कर रहा है, जिसके तहत इसराइल को 100 करोड़ डॉलर से अधिक के हथियार बेचे जाएंगे। नया सौदा उस सहायता सौदे के अतिरिक्त है जिसमें इसराइल के लिए 26 अरब डॉलर का सौदा शामिल है, जिस पर वर्तमान में कांग्रेस में बहस चल रही है। इस सौदे में 700 मिलियन डॉलर के टैंक, गोला बारूद, 500 मिलियन डॉलर के सैन्य वाहन और 100 मिलियन डॉलर के मोर्टार राउंड शामिल है। He strongly supports this package. To reinforce Israel and Ukraine, and let's not forget the humanitarian aid that's needed for the Palestinian people in Haiti, in Sudan. This is important humanitarian aid. Let's not forget the security in Indo-Pacific. So this is what this package is going to do. The president strongly supports that. अमेरिका ने अभी दो दिन पहले ही ऐलान किया था कि इसराइल अगर ईरान के खिलाफ बदले की कार्रवाई करता है तो उसका साथ नहीं देगा। यहाँ तक कि बेंजामिन नेतन्याहू को जो बाइडेन ने साफ लहजे में कहा था कि इसराइल को संयम बरतना होगा, और उसके बाद अमेरिका में इस बात की बहस चल रही है कि ऐसे हालात में इसराइल को मदद की दरकार है और उसे हथियार पहुँचाए जाने चाहिए। अमेरिका के इसराइल को इस शह की कीमत क्या होगी, इसे समझना बहुत जरूरी है। 1916 किलोमीटर ये तेल अवीब से तेहरान की दूरी है। 9437 किलोमीटर ये तेल अवीब से अमेरिका की दूरी है। 3686 किलोमीटर ये तेल अवीब से मॉस्को की दूरी है। ये दूरियां मैप पर दिखाने का अर्थ ये है कि ईरान इसराइल युद्ध भड़का तो उसकी जद में दुनिया का कितना प्रतिशत हिस्सा आएगा। यही नहीं, अमेरिका के अलावा फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इटली है, जो इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इन देशों के साथ रहते हुए कहा जा सकता है कि ईरान चाहे जितनी ताकत जुटा ले, इसराइल के खिलाफ उसके हमले नाकाम होने की पूरी संभावना होगी। लेकिन यहाँ इसराइल को मिल रही यूरोपीय देशों से मदद की चर्चा नहीं, चर्चा अमेरिका से मिल रही मदद की, जिसके दम पर इसराइल खड़ा है। ईरान से दो दो हाथ करने के लिए अभी ही नहीं, अमेरिका इसराइल का ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। अमेरिका ने बीते कुछ सालों में इसराइल को दुनिया की सबसे उन्नत मिलिट्री में से एक बनाने में पूरी मदद की है। अमेरिकी फंड की मदद से इसराइल अमेरिका से सैन्य साजो सामान की खरीद फरोख्त करता है। अमेरिका ज्यादा से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल दे रहा है ताकि इसराइल को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की कमी ना पड़े। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग 40,000 से 50,000 डॉलर होती है। साजिश बहुत खतरनाक हो रही है, युद्ध की साजिश तो और भी बड़ी तबाही लाई जाएगी।
पूरी दुनिया को यही डर इस वक्त ईरान और इसराइल को लेकर है जो करीब 1.5 साल पहले रूस और यूक्रेन को लेकर था। इसराइल को अस्तित्व में लाने में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अरब देशों की थ्योरी जो कहती है कि हमारी जमीन पर यहूदियों ने देश खड़ा कर लिया जिसे कभी कबूल नहीं किया जा सकता, ये मूल बात है जो ईरान के साथ मुस्लिम देशों के खड़ा होने को प्रेरित करता है। इसराइल इन देशों का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। इस तथ्य के बावजूद कि इसराइल के पास दुनिया के सबसे उन्नत हथियारों का जखीरा है, उसके पास दुनिया का सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है, लिहाजा अमेरिका की छांव जरूरी हो जाती है। अमेरिका ने वर्ष 2022 में इसराइल को 4.8 अरब डॉलर की मदद दी थी और वर्ष 2023 में 3.8 अरब डॉलर की आर्थिक मदद दी। असल में अमेरिका हर वर्ष इसराइल को 3.8 अरब डॉलर की मदद करता है जो इसराइल के कुल रक्षा बजट का लगभग 16% है। जाहिर तौर पर इस समय अमेरिका इसराइल के असाधारण सहयोगी के तौर पर काम कर रहा है। अमेरिका इसराइल को बिना शर्त वित्तीय, सैन्य और राजनीतिक मदद देता है। इसराइल एक अघोषित परमाणु ताकत है, लेकिन अमेरिकी संरक्षण की वजह से उसे कभी किसी जांच का सामना नहीं करना पड़ा है। ये तथ्य है कि अमेरिका सबसे ज्यादा आर्थिक सहयोग इसराइल को ही देता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक इसराइल को 158 अरब डॉलर की अमेरिकी मदद मिल चुकी है। इसराइल अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार भी है। दोनों के बीच हर वर्ष 50 अरब डॉलर का कारोबार होता है। इसराइल अमेरिका की मदद से एक बहुत बड़ा रक्षा उद्योग खड़ा कर चुका है। अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस की वजह से ही इसराइल आज दुनिया भर में हथियार और सैन्य साजो सामान का 10वां सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है। 1972 के बाद से अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका इसराइल के खिलाफ लाए गए 50 से ज्यादा प्रस्तावों को गिरा चुका है। इसराइल को अमेरिकी मदद का स्केल क्या है ये आपने देख लिया, लेकिन यहाँ ये भी समझना बहुत जरूरी है कि इसराइल से दोस्ती का अमेरिका को क्या फायदा मिलता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है, ना कि मानवीय संवेदना। इसराइल को अमेरिकी मदद मिलने के कई कारण हैं, लेकिन यहाँ आपको वो 4 प्रमुख कारण दिखाते हैं। पहला कारण, अमेरिका की नजर में अरब दुनिया की उथल पुथल भरी राजनीति में इसराइल की रणनीतिक अहमियत। दूसरा कारण, शीत युद्ध के कारण अमेरिका ने अरब जगत में सोवियत संघ के असर के खिलाफ इसराइल को एक अहम मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। तीसरा कारण, शीत युद्ध के बाद अमेरिका पश्चिम एशिया में और ज्यादा सक्रिय हो गया और इसराइल, सऊदी अरब और मिस्र इसके सहयोगी बन गए। चौथा कारण, अमेरिका के इसराइल समर्थक नीति के लिए अमेरिकी लोगों की राय, वहां की चुनावी राजनीति और ताकत पर इसराइली लॉबी भी जिम्मेदार है। मतलब अमेरिका का मध्य पूर्व में वर्चस्व बना रहे, इसके लिए इसराइल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लिहाजा अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी हो, इसराइल के लिए उसकी नीतियां समान होती हैं। जो बाइडन जिस तरीके से इसराइल की मदद कर रहे हैं, ये उसी नीति का हिस्सा है। लेकिन सवाल सिर्फ अमेरिका से मिल रही इसराइल को मदद भर का नहीं है, सवाल है ईरान को किन किन देशों से मदद मिल रही है। ईरान और इसराइल की सीमाएं एक दूसरे से नहीं लगती हैं। ईरान के हमले के बाद लेबनान और इराक ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। सीरिया और जॉर्डन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर और कुवैत दोनों ने अमेरिका को अपने हवाई अड्डों को इस्तेमाल करने से ये कहकर रोक दिया कि वो ईरान के खिलाफ संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहते हैं। गैर मुस्लिम देशों में रूस, उत्तर कोरिया और चीन के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं। युद्ध सिर्फ हथियार और पैसे से नहीं लड़े जाते, लेकिन साथ ही अगर अमेरिका की तरह ताकतवर हो तो जीत की गारंटी भले न मिले, सुरक्षा का भरोसा तो होता ही है। इसराइल पलटकर ईरान को नहीं मारता तो विश्व बिरादरी में सिर्फ उसकी फजीहत नहीं होगी बल्कि अमेरिका की भी हेठी मानी जाएगी। इधर ईरान के साथ मुसीबत में रूस जैसे देशों ने साथ नहीं दिया तो अमेरिका के खिलाफ वाले गुट की हार मानी जाएगी। जाहिर है युद्ध भड़काने में ये थ्योरी भी काम आ रही है और यही कारण है कि इसराइल और ईरान दोनों उबल रहे हैं, एक बदले की आग में, दूसरा बदले के बाद आग को भड़काने से रोकने के लिए।
और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।